नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़, एक तरफ केंद्र सरकार ने जहां आजमगढ़ एयरपोर्ट की उड़ान के लिए हरी झंडी दी, तो वहीं गणतंत्र दिवस पर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए किसानों ने खिरिया की बाग में आजमगढ़ एयरपोर्ट तक परेड निकाला और कहा कि एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होगा। संयुक्त किसान मोर्चा व जमीन मकान बचाओ के तत्वाधान में गणतंत्र दिवस के अवसर पर खिरिया बाग धरना स्थल पर राजध्वज तिरंगा का ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों और किसान आंदोलन के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। तत्पश्चात किसान मजदूर भारी संख्या में खिरिया बाग से आजमगढ़ एयरपोर्ट तक परेड किया। इस दौरान किसान नेता राजीव यादव ने कहा कि 74वें गणतंत्र दिवस पर किसानों मजदूरों ने खिरिया की बाग में से लेकर एयरपोर्ट तक परेड निकालकर ऐलान कर दिया है कि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सरकार रद्द करे। उन्होंने कहा कि इस परेड को जिला प्रशासन ने प्रभावित करने की कोशिश की है, बावजूद इसके किसान व मजदूर तिरंगा व हरा झंडा लेकर परेड के लिए निकले। देखिए, किसानों मजदूर ने परेड का ऐलान किया था और परेड करके आज ऐलान कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मास्टर प्लान सरकार को रद्द करना पड़ेगा। इस परेड को प्रभावित करने के लिए यहाँ तक कि जिला अधिकारी से लेकर SDM तक लगातार झूठी आश्वासनों का यहाँ पर पुलिंदा बना लिए थे, लेकिन किसानों ने इस साजिश को समझा और इस बात को कहा कि हम अपने एजेंडे पे बात करेंगे और सरकार को हमारे एजेंडे पे मानना पड़ेगा। और यहाँ पर हजारों हजार किसान सुबह निकल गया और तिरंगा लेकर और हरा झंडा लेकर, और उन्होंने कहा कि अब इस यहाँ पर कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। प्रशासन ने हमारे पर दबाव बनाया, लेकिन हमने कहा कि हम किसी भी कीमत पर इस परेड को करेंगे तो करेंगे। दूसरी बात कि प्रशासन ने गणतंत्र दिवस को कानून व्यवस्था की दुहाई दिया, तो हमने कहा ठीक है। और हमने जो एयरपोर्ट है, जो सरकार का जो सपना है जिस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का, उस एयरपोर्ट के को चारों तरफ से हमने परेड करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये जो एयरपोर्ट है, ये किसानों की जमीन अपहरण करके जो बना है, इस जमीन पर अब कभी भी विस्तारीकरण नहीं होगा और किसानों की कभी भी जो जमीन छीनी नहीं जा सकती है। और इसके लिए ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी जब तक सरकार मास्टर प्लान रद्द नहीं करती। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।